ये क्या हो रहा है यार इसके लड़की के, एक बार बात करके देखता हूँ मैं। हेलो एक्सक्यूज मी, क्या है, क्या प्रॉब्लम है आपकी? आपके आई थिंक कुछ लगा हुआ है। अपने काम से काम रखो ना यार, जाओ ना, क्या मतलब है तुम्हें? मतलब इसको पता नहीं क्या ही हो रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। ओ सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल सैम व्लॉग। तो भाई काफ़ी टाइम हो गया, आज आप देख रहे हो भाई मेरे पीछे क्या रखा हुआ है। भाई मेरे पीछे रखा हुआ है हेलमेट, और हेलमेट में भाई कैमरा वैमरा सेटअप कर रहा था काफ़ी टाइम बाद, जो है मैं सोच रहा राइडिंग पे जा करके आऊँ, और भाई यहाँ पर चाबी वगैरह भी रखी हुई है। तो भाई बहुत टाइम हो गया बाइक चला रहा, बाइक भी यार बैठे बैठे गालियाँ दे रही हुई कि भाई मुझे लेकर के रख लिया, इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है पेट्रोल डलवा दिया, एक तरफ को खड़ी हुई है, टाइम पे सर्विस हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक तरफ को खड़ी है, तो यार बाइक को भी थोड़ा सा बुरा लगता है ना। मैंने क्यों ना थोड़ा चलते हैं, तो वही डिसाइड कर रहा था कि भाई जल्दी से यहाँ पर ये हेलमेट तो रखा हुआ है, ये गोप्रो सेटअप करना है मुझे, और बस बैग ये रहा अपना कावासाकी वाला, ये देख सकते हो भाई अलग ही लगता है, इतना प्यार लगता है ना ये बैग। तो बस जल्दी से पानी वानी पीते हैं भाई, ये पड़ा पानी अपना, और जल्दी से निकलते हैं यार, ठीक है। ये देखो भाई मेरे शूज़ जो है इसके अंदर रखे हुए हैं, ठीक है, काफ़ी टाइम से रखे पड़े हैं, और भाई इतना संभाल के रखे थे, तो आज मैंने इन्हें निकाला है, और मैंने सोचा यार काफ़ी टाइम से रखे हुए हैं तो भाई इन्हें निकाल करके पहन लिया जाए, क्योंकि इतने प्यारे लगते हैं ना यार ये। देख लो, जब मैं नैनीताल गया था भाई तभी पहने, तो उसके बाद ये ऐसे कैसे रखे, तो पहन लेते, उसके बाद दिखाता हूँ लुक कैसा लग रहा है। तो भाई देख सकते हो भाई, भाई इन जूतों को पहनने में बड़ी प्रॉब्लम सी होती है, लेकिन ये है भाई, ये पैर जो है ना पूरी तरीके से मतलब सेफ रहते हैं इसके अंदर भाई, मतलब पहनने के बाद तो अलग ही वाइब आती है भाई, राइडर वाली फीलिंग आती है, और पहनने के बाद जो है ना भाई, तुम सुपर बाइक पे हो और तुम्हारे जूते तुम्हारे साथ हैं, तो भाई बहुत ज़्यादा सेफ्टी हो जाती है। और फिलहाल तो मैं आराम से चलाता हूँ, तो सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, ठीक है, ऊपर करना थोड़ा, तो भाई जल्दी से उठाते हैं और निकलते हैं, बाय बाय। जैसे ही मैं बाहर निकला भाई मेरे साथ सीन हो गया, आप देख सकते हो भाई रेड नोस यहाँ खड़ी है हुई पंचर वाले की दुकान पे, और भाई यहाँ पर इसके अंदर पंचर हो चुका है, ठीक है, देखो टायर जो है ना पूरा का पूरा ही दब रहा है भाई, बड़ा दिमाग ख़राब हो रहा है यार, ये इसके अंदर भाई पंचर वगैरह हो गया और बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है। तुम बाइक ले करके निकलो, ये देखो ये टायर दबता हुआ नज़र आ रहा है ना, तो भाई बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है यार। हम बाइक लेके निकले चलाने के लिए, तो भाई बाइक भी कह दोगे इतने टाइम बाद निकालोगे, तो भाई यही सीन होगा ना तुम्हारे साथ। चलो भाई सॉरी मेरा मॉन्स्टर, चलो भाई पंचर लगवाते हैं पहले आने के बाद, तो निकलते हैं आज जल्दी से। तो भाई देखो पंचर मिला है काफ़ी मशक्क़त करने के बाद, ये रहा, इसके अलावा तो नहीं है कोई, तो भाई ये मिला भाई, देखो छोटा सा है बिल्कुल, पता नहीं इसके अंदर कील है या निकल गई घुस के, निकल गई होगी, चलो बढ़िया है, लगा दो ही लगा दो। तो भाई अपनी बाइक के जो है ना सुई लग रही है, तो वो भाई सुई लग रही है। हाँ भाई क्या कह रहा है, रियल के राइडर हो क्या? क्या रियल के राइडर हो? नहीं मैं फेक राइडर हूँ यार, बंदा यार हैं, मैं कुत्ता भी मार दूँ एक बार, मार के दिखाना। किस नाम से चैनल है तुम्हारा यूट्यूब पे? भाई ये रहा ऑफिशियल सैम व्लॉग। भाई देखो बच्चे बिल्लियाँ पड़वा रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि अगर गिर गया तो हड्डी पतली उड़ जाएगी इतनी भारी बाइक से, कह रहे बिल्ली मार दो। अरे कोई नहीं मार लेना, देख रहे हो भाई कैसे कैसी हरकतें कर रहे हैं बच्चों, तुम क्या चाहते हो मैं गिर जाऊँ क्या? अरे राइडर राइडर मीटर ले और चेक कर लो, और नहीं है भाई, और नहीं है पक्का, देखना हो गई, हो गया पक्का, चलो ये धन्यवाद। और भाई देखो दिखाता हूँ मैं कैसे खड़ी हुई थी गाड़ी, देखो दिखाता हूँ भाई ये जैक लग करके, ये देखो भाई देख रहे हो किस तरीके से खड़ी थी गाड़ी यार, ये तो ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, लिए पैसे देते हैं और निकलते हैं यार, देख रहे हो भाई कितने प्यार प्यार झूले हैं, और झूले देख के बचपन की याद आ जाती है। अरे ये क्या हो रहा है यार इसके लड़की के, एक बार बात करके देखता हूँ मैं। हेलो एक्सक्यूज मी, क्या है, क्या प्रॉब्लम है आपकी? क्या हुआ, गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे सुन तो लो, आपके आई थिंक कुछ लगा हुआ है। अपने काम से काम रखो ना यार, जाओ ना, क्या मतलब है तुम्हें? मैं तो जस्ट आपको बता रहा हूँ कि क्या बता रहे हो मुझे, अपने काम से काम ही रह सकते क्या तुम? मतलब भाई यार लड़की देखो यार किस तरीके से, मतलब यार कैसी हरकतें करी, एक तो मैं बता रहा हूँ भाई देखो इसके कुछ लगा हुआ है, लेकिन भाई ऐसे लड़कियों का जो है ना भाई समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए क्या। एक तो भाई देखो इसके कुछ लगा हुआ, आई थिंक पीरियड वगैरह हो गए इसके, ठीक है, और इस सिचुएशन में इसको पता भी नहीं है, और लग रहा मुझे कुछ तो गलत हुआ है, या तो इसके साथ कुछ गलत हुआ है भाई, मेरी तो समझ में आ नहीं रहा क्या। ओ भाई 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 भाई, एक बार पूछ के देखता हूँ भाई कि
क्या सिचुएशन है क्या नहीं, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा भाई। पूछो नहीं पूछो, लड़की ने खाली पीली जो है ना, मतलब भाई खाली पीली चिल्ला दी यार। मैं तो एक हेल्प करने के उससे आया हूँ मैं, और ये इस तरीके से ऐसे ऐसे कर दिया भाई इसने ये। तो मैं बताऊँ अगली बंदी की मैं हेल्प करना चाह रहा हूँ, तो भाई इसको पता नहीं क्या ही हो रहा, मैं तो समझ में नहीं आ रहा। ओ ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ यार इसे। ओ भाई लड़की बेहोश हो गई। हेलो 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 भाई, यार लग रहा है बेहोश पड़ी। एक मिनट, पानी वगैरह पड़ा है क्या मेरे पास भाई? इसके तो यार बेहोश हो गई यार ये तो। ओ भाई इसको लगा पीरियड्स वगैरह आ गए, पर मैं इसके फेस पे पानी डालूं। हेलो हेलो, ठीक हो आप? ठीक हो, आर यू ओके? क्या क्या हो गया आप, मतलब बेहोश कैसे हो गए? डाउन हो गई थी। लाइक व्हाट? तो मैं इतनी देर से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ लगा हुआ है आपके? मैं क्या बताती भैया, पीछे से काफी लड़की मुझे इतना परेशान कर रहे थे। अच्छा, मुझे लगा आप भी उन्हीं में से एक होंगे। नहीं नहीं, देखो ऐसी दिक्कत नहीं, आप एक काम करो सबसे पहले उठो, ठीक है? उठ के पहले साइड में आओ, ऐसे आप बीच में रहोगे तो लोग पता नहीं क्या सोचेंगे। आप खड़े हो सकते हो? खड़े हो जाओ आप, लो पानी पियो आराम से आराम से आराम से आराम से। तो ये मतलब कुछ लगा हुआ है या लाइक उभर मत मानना, क्या क्या हुआ है आपके साथ, कुछ गलत हुआ है? नहीं नहीं, एक्चुअली मेरे पीरियड हो गए। अच्छा, देखो आराम से, ठीक है? साइड में बैठो आप, एक काम करो साइड में बैठ के पानी पी लो, है ना भाई? देखो भाई लड़की के देखो पूरे कपड़े गंदे हो गए, और पीरियड्स आ गए, पीरियड्स आ गए। बैठ जाओ आप, हैं इनके पीरियड्स आ गए तो बेहोश हो गई हैं। हैं? हाँ भाई पूछ रहा हूँ ना, अभी इन्हें थोड़ा रिलैक्स कर रहा हूँ, पानी वगैरह पिला रहा हूँ। कोई हाँ भाई पूछ रहा हूँ मैं, हाँ तो मतलब कोई हेल्प चाहिए आप घर से, किसी को बुला दूँ? भैया आप मुझे वो पैड्स वगैरह ला दीजिए। क्या? पैड्स वगैरह ला दीजिए, मैं थोड़ा चेंज वेंज कर। अच्छा अच्छा, यहाँ का ही केमिस्ट है आस पास? पास में ही है, ठीक है आप रुको मैं। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू, ठीक है। तो फिर मैं और क्या चाहिए आपको? ये वो मेडिसिन लाना। मेडिसिन कौन, मेडिसिन पेट के दर्द की कौन सी होती है, क्या नाम है? मेलोसफ्लीन। मेलोसफ्लीन, ठीक है मैं लेकर के आता हूँ, आप रुको, ठीक है मैं जल्दी लेकर के आता हूँ। तो भाई लड़की को जो भाई पीरियड आ गए, और मैं जल्दी से लेकर के आऊँ यार। अभी तो बेटर फील कर रहे हो ना आप? ठीक है मैं लेकर के आता हूँ। तो भाई ये नेचुरल प्रॉब्लम है, और भाई किसी के साथ भी हो सकती है, और भाई जल्दी से लेकर के आता हूँ मैं। प्रॉब्लम हो गई यार लड़की को, यहाँ पता नहीं केमिस्ट कहाँ है, देखना पड़ेगा कहाँ है कहाँ नहीं यार केमिस्ट। भाई मतलब ऐसा भी होता है कि बेहोश वगैरह भी आते हैं क्या पीरियड्स में? मुझे लगा भाई लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है, यहाँ तो भाई कहीं नज़र ही नहीं आ रहा केमिस्ट, सुनने नहीं आ रहा कहाँ है कहानी। भाई ये चीज़ें जो है ना भाई किसी के साथ भी हो सकती है। एक मिनट, आई थिंक यही है यार केमिस्ट की शॉप। तो ये रही भाई केमिस्ट की शॉप, जल्दी से मैं लेता हूँ और इनसे बोलता हूँ भाई पैड वगैरह दे दें यार जल्दी से। हेलो भैया, वो सैनिटरी पैड मिल जाए आपके पास? दे दीजिए, कोई सा भी दे दो, मुझे खैर पता नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई है तो अर्जेंट में चाहिए। नॉर्मल साइज दे देता हूँ। हाँ मतलब ठीक है, दे नॉर्मल दे दो, मुझे तो खैर पता नहीं, इसमें भी साइज वगैरह आते हैं क्या? ठीक है दे दो। तो भाई मुझे तो पता नहीं है भाई किसी के हेल्प, और एक टैबलेट भी दे दो, मिली कल के ऐसी करके कुछ आती है। किस चीज़ के लिए? वो पेट के दर्द के लिए, पेट में दर्द भी हो रहा है। पास होती है। हाँ वही वही वही। एक गोली? हाँ वही दे दो एक गोली। तो भाई देखो पैड वगैरह तो ले लिया है, ठीक है, और टैबलेट भी ले लूँ मैं। पेट पेट का दर्द आराम हो जाएगा ना इससे? हाँ, पेट दर्द के लिए होती है। ठीक है थैंक यू। कितने हुए? 40। एक मिनट भाई जल्दी से लेकर आता हूँ। छो पास में मेडिकल मिल गया, वरना तो पता नहीं भाई मुझे कहाँ जाना पड़ता कहाँ नहीं। इस पे कर दूँ ना आपका? हाँ,
ये हर्ष नाम से है। हाँ जी। यार भाई देख रहे हो भाई किस तरीके की मतलब ये प्रॉब्लम है, कहीं भी कभी भी हो जाती है भाई। देखो जी भैया ठीक है, तो भाई पेमेंट वगैरह हो गई है, जल्दी से अब मैं ले करके चलता हूँ और उनको देता हूँ भाई। मतलब ये प्रॉब्लम मैं कभी भी किसी के साथ भी हो जाती है, तो कहीं पर भी अगर ऐसा कुछ हुआ करे ना भाई, रुक जाया करो, पूछ लिया करो भाई। सबसे पहले तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा जब मैंने उसकी हेल्प करने की कोशिश करी और उस लड़की ने उल्टा मेरे ऊपर चिल्ला दिया। तो पहली बार में तो मैं समझा नहीं भाई क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन जब उसने बाद में बताया कि कुछ लड़के परेशान कर रहे थे पीछे से, तो उसने समझा होगा कि भाई मैं भी उन्हीं में से ही हूँ, लेकिन भाई ऐसा नहीं है ठीक है। और सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, तो मैं जल्दी से यार पैड ले आ करके देता हूँ, बेचारी कितनी परेशान हो रही होगी। और घर से या तो किसी को बुला देते हैं या फिर इसे ऑटो वगैरह करा देते हैं, तो पॉसिबल हुआ तो भाई मैं ही खुद ही छोड़ दूँगा उस लड़की को। और अरे अरे भैया आराम से, दीदी क्या करके मानोगी, जल्दी से ये लो मैं पैड वगैरह लेके आ गया हूँ ठीक है। आप कहीं पर चेंज वगैरह कर लो ठीक है, आपके कपड़े भी गंदे हो गए, बैग वगैरह भी गंदा हो गया। थैंक यू भैया, अगर आज आप ना होते तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं नहीं कोई इशू नहीं है। देखो आपका भी चिल्लाना मुझे पहले तो बहुत ज़्यादा गलत लगा था, लेकिन जब बाद में मेरी समझ में आ गया, तो अभी आप कैसे जाओगे, आपके तो कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो, अगर जाओगे रास्ते से तो लोग चिल्लाएंगे, मतलब जैसे आप बोल रहे थे लड़के पीछे लगे, शायद इसी चक्कर में लगे हो। काफ़ी परेशान कर रहे हैं। एक काम करो, मेरे पास यार शर्ट वगैरह होगी इसके अंदर ठीक है, ये रही, तो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, ये आप पीछे बांध लो है ना, ताकि आपका पीछे से कवर हो जाए। नहीं कोई इशू नहीं है, देखो आप मेरी सिस्टर जैसे हो, आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं आपकी हेल्प करूं। क्या हो गया बच्चों, जाओ ये लो, ये बांध लो आप है ना। नहीं नहीं इट्स ओके आप रख लो ये ठीक है, ये लो बांध लो आप ठीक है, लो बांध लो आप अपने से बांध लो। तो भाई ये प्रॉब्लम जो भाई कहीं भी कभी भी हो जाती है। ग्लूकोज तो कम नहीं हो गया, बेहोश हो गई थी। नहीं डॉक्टर को दिखाना है। नहीं नहीं इट्स ओके, अभी ठीक फील कर रही है, थोड़ा सा गर्ल्स प्रॉब्लम हो गई थी तो बेहोश हो गई थी। ग्लूकोज तो कम नहीं हो गया, अगर ग्लूकोज वो अंदर से एक में कोका कोला ला देते ना। अच्छा अच्छा नहीं अभी अभी बेटर फील कर रहे हो आप, तो आपको घर वगैरह छोड़ दूँ मैं ठीक है, तो बैठ जाओगे ना बाइक पे, कोई इशू तो नहीं है ना। तो कोई प्रॉब्लम हो तो मैं ऑटो या उबर ओला कर दूं आपको। आप छोड़ देते तो ज़्यादा सही होता, लेकिन रोज बाइक पर मैं बैठूंगी कैसे यहाँ पर। देखो जब तो मैं बोल रहा हूँ, दूर है क्या घर आपका? हाँ थोड़ा दूर है। चलो ठीक है, मैं फिर रोड से, यहाँ पर तो कोई रिक्शा वगैरह मिलेगा नहीं, मैं रोड से करा देता हूँ आपको है ना। ठीक है आप आ जाओ। तो भाई ऐसे ही देखो जैसे अंकल जी भी आ गए, तो भाई हेल्प करनी चाहिए यार लोगों की। ठीक है आप आ जाओ, इधर ही जाना है ना। ठीक है बैठ जाइए आप, लाइए मैं पकड़ लेता हूँ। तो भाई इस सिचुएशन के अंदर जो है ना भाई, ग्लूकोज वगैरह जो है बीपी डाउन हो जाता है यार, तो दिक्कत हो जाती है यार। आराम आराम से बैठना, आराम से आराम से। बैठ गए आप? ये लो बैग, बैग पकड़ लोगे? चलो मैंने पकड़ लिया। ठीक है चलूँ मैं, प्रॉब्लम ज़्यादा लगे तो बता देना ठीक है। कोई इशू तो नहीं हो रहा ना आपको? क्या बहुत पेन हो रहा है? पेन हो रहा है यार, देखो गड्ढे वगैरह है ना, तो हो सकता है इस चक्कर में हो रहा हो। हाँ कोई रिक्शा वगैरह करा दो। क्या कोई रिक्शा वगैरह ऑटो वही करा दो? रिक्शा वगैरह करा दो आपको? हाँ यहाँ तो रिक्शा ज़्यादा हो रहा है क्या? हाँ ज़्यादा पेन हो रहा है। देखो आप बैठो, मैं करा देता हूँ आगे, यहाँ यहाँ तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा क्या हुआ। देखो ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, अभी बैठ सकते हो ना, आपको चक्कर वगैरह तो नहीं आ रहे? चक्कर तो नहीं आ रहे, मुझे बहुत पेन हो रहा है। अरे यार ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो टॉयलेट वगैरह है क्या इधर कहीं? सबसे पहले तो आपको
चेंज भी करना होगा यार, कितनी प्रॉब्लम्स है भाई लड़कियों के साथ भाई। और हमें लगता है भाई लड़की होना आसान है, भाई लड़की होना इतना आसान नहीं होता यार। देखो आसान तो कुछ भी नहीं होता है, और बस वही है। देखो मैं काम करता हूँ, ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? रुको एक मिनट, मैं साइड में रुकता हूँ गाड़ी। भाई लग रहा ज़्यादा ही दर्द हो रहा है लड़की के। ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? रुको मैं आपको रिक्शा करा देता हूँ। कहाँ जाना है आपको बताओ? मुझे जनकपुरी जाना है। जनकपुरी, एक मिनट आप आ जाओ, देखो उठ करके आ जाओ और पैड वगैरह लगा देना। आगे जाना है इनको, आ जाओ आप आराम से, आ जाओ आराम से, दिक्कत तो नहीं हो ना, चल लोगे ना आप? आराम से आराम से, लो हाथ पकड़ लूँ मैं, ठीक है? हैं, हाँ ये गिर गई थी, बेहोश हो गई थी, वो गर्ल्स प्रॉब्लम होती है ना। अच्छा। हाँ तो वो गिर गई थी। हैं, कहाँ जाना है आपको? जनकपुरी वेस्ट जाना है। जनकपुरी वेस्ट जाना है तो आप इनको छोड़ देना, ठीक है? ठीक है आप चले। मोबाइल नंबर दे, एक मिनट क्या? आप अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दे। क्यों? मैं आपको फ़ोन करके आपकी ये जैकेट धो के रिटर्न कर देती। नहीं नहीं, इट्स ओके, आप रख लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है? क्योंकि आप मेरी सिस्टर जैसे हो, आपकी हेल्प हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आप रख लो, इट्स ओके, नो नीड। ठीक है, छोड़ देना अंकल, ठीक है? ध्यान से जाना आप, ठीक है? ओके बाय बाय। तो भाई देखा आपने, मतलब यार कितनी प्रॉब्लम्स हो गई थी यार लड़की को, और तो गाइस कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो ना, तो गाइस अगर ये प्रॉब्लम कहीं भी किसी के भी साथ हो ना, तो भाई एक बार जो है मतलब देख लेना क्या है कैसे है, क्योंकि पता है भाई ये प्रॉब्लम कहीं भी किसी को भी हो सकती है। और इसके अंदर मैंने जो सुना है ना भाई, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होता है लड़कियों के, और मतलब बेहोश भी हो जाती है, जो कि आज मैंने भाई लाइव देख लिया। भाई क्या ही बोलूँ, फ़िलहाल मैं राइड के लिए निकला था और क्या हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऊपर वाले ने मेरे को किसी काम लाया, और जो भी है कोई इशू नहीं है। तो फिलहाल अभी मैं चलता हूँ, थोड़ा सा घूम लेते हैं, जो कुछ भी आपको दिखाता रहूँगा। और बाकी नए हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना।